एक बार गलती से इसको मैंने अपना नंबर शेयर कर दिया था, अब ये बार बार कॉल करके मुझे परेशान करता है। मेरे गुरुजी को पूरा रिस्पेक्ट दोगे, सबसे लेंस मैंने पहली बार देखा है ना, भूल ही नहीं पा रही। आप यहाँ रहती हैं? नमूने तुम गुरु रंधावा नहीं रहे। मर क्या वो? इतनी जोर से रोएगी तो वापस नहीं आ जाएगा ना? यार ये तो ऐसे रो रही है जैसे कि वो इसका पति था। यार वो तेरा क्रश था। क्रश तो मुझे हर तीसरे दिन हो जाता है, कभी वो सैम के अंकल जॉनी से, कभी वो आंटी के भतीजे सैम से, कभी तो मुझे वो हमारे यहाँ गाड़ी साफ करने आता है वो नेपाली पप्पू से भी हो जाता है। दोबारा प्यार नहीं होगा यार, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरी बॉडी के हर अंग को पैरालिसिस हो गया है। बस यही बोल देना अपने माँ बापू को, उन्हें भी तो पता चले मलिका पूरे दिन सोफे पे क्यों पड़ी रहती है। मेरा पिज्जा बच्चा है, वही खाऊंगी, मैं कुछ नहीं करूंगी जब कुछ रास नहीं आ रहा। तो अपना फोन दे, तेरा फोन का है? भाई तेरा फोन कहाँ है? अपना फोन दे मुझे। कहाँ है फोन? इसे पहले अनलॉक कर। पूछू तो सही इस राजीव बच्चन से कि ये तेरा गुरु रंधावा कैसे मर गया? वो बिजी होगा ना सबको बताने में, गांव वालों को कि बेचारा मर गया। लगता है मम्मी आए, तुम दोनों गेट खोलो। मैं जाके डोर खोलती हूँ, वैसे भी तेरी मम्मी बहुत आशीर्वाद देती है मुझे लेने को। मैं भी तेरे साथ चलूंगी क्योंकि इस रूम में तो पूरी नेगेटिविटी भरी हुई है। अच्छा मल्लिका क्या बोलना है तेरी मम्मी को? छोड़ वो भी हम ही बोल दें, चल जाते पिज़्ज़ा। हाँ उसके बिना तो पिज़्ज़ा में भी टेस्ट नहीं आ रहा है, पर खाना तो पड़ेगा। हेलो आंटी। गुड इवनिंग गर्ल्स। हेलो गर्ल्स, कैसे हो तुम दोनों? तुम दोनों के मम्मी पापा कैसे हैं? मम्मी पापा सब अच्छे हैं, अभी आज शाम को वैष्णो देवी के लिए निकल रहे हैं, 3 दिन में वापस आ जाएंगे। तब तक मैं और मेरा भाई घर पे रहेंगे। सब ठीक है आंटी, पर सर आपको देख के सरप्राइज हो रहा है, आप जिंदा हैं? इनको क्या होगा, ये तो खुद मुझे बचा कर लाए हैं। मार्केट में मैं रोड क्रॉस कर रही थी, बीच में एक साइकिल वाला घुस गया, उसकी साइकिल में ब्रेक ही नहीं था, फिर सर कहीं से आ गए, इन्होंने साइकिल वाले को खूब सुनाया। एक्चुअली साइकिल की स्पीड रही होगी कुछ 10 किलोमीटर पर आवर, और वो साइकिल पुरानी होने की वजह से उसका जो ब्रेक का रबर होता है ना, वो साइकिल की रिम से घिस रहा था, स्लाइड कर रहा था। अरे वो आदमी साइकिल रोक ही नहीं पाया और सीधा टकरा दिया मैम से उसी स्पीड में। खैर अब सब ठीक है। मल्लिका कहाँ है? उसके फेवरेट सर आए हैं, मैथ्स का होमवर्क कर रही होगी। हाँ ना आंटी, पढ़ाई कर रही होगी, आजकल तो मैथ्स के पीछे ही पड़ गई है। हाँ ना आंटी, वही पढ़ ही रही होगी, मैथ्स के पीछे उसने हद ही पार कर दी है, और अब तो मैं तो शादी भी करने वाली है। टेम्प्ररी विधवा हुई थी पर अब सब ठीक है, मैं उसको लेकर आती हूँ।
क्या बके जा रही हो तुम दोनों? सर आप क्या लेंगे? सानिया किचन से पानी तो लाओ सर के लिए। आज संडे है ना, तो तीनों मिलकर किचन में कुकिंग करने वाली थी। मैं तो किचन में जाने से घबरा रही हूँ, पता नहीं क्या टूट गया होगा इन तीनों से। अच्छा मैं पानी पीकर निकलता हूँ, बस आपको ड्रॉप करने आया था, मैं चलता हूँ। क्या हो गया मल्लिका को, ये ऐसे क्यों बिहेव कर रही है? सर आप जिंदा हैं? आपका तो एक्सीडेंट हो गया था ना? अरे एक्सीडेंट मेरा नहीं, आपकी मम्मी का हुआ था। स्कूल में आपके मरने की अफवाह फैली है। क्या? पर कोई बात नहीं, हम तो बहुत खुश हैं आपको जिंदा देखकर। अरे मैं तो प्रोपोर्शनेटली एकदम फिट हूँ, मेरा बॉडी टेम्परेचर, हार्ट बीट, बीपी, ग्लूकोज, यूरिन, स्टूल सब नॉर्मल है। अरे कौन साइफर है जो मेरे मरने की खबर फैला रहा है? इस खुशी में आपको चाय पीकर ही जानी पड़ेगी सर जी। ठीक है। अरे मल्लिका बैठी क्या है, जा जाकर सर जी के लिए अच्छी सी अदरक वाली चाय बना। जा। सर वो जरा किचन में कुछ प्रॉब्लम है, देखिए ना प्लीज। किचन में इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होंगे, वो क्या होता है कि कभी कभी वोल्टेज फ्लक्चुएट होता है ना। अर्थिंग की भी प्रॉब्लम हो सकती है। मैं हूं ना, मैं चेक करता हूं। हेलो सर, अगर 5 कप्स टी बनानी है तो कितना मिल्क डलेगा? अरे मल्लिका पहले 1/2 कप मिल्क हर एक कप के हिसाब से डालो, और सुनो थोड़ा मिल्क तो इवेपोरेट हो जाएगा, तो थोड़ा एक्स्ट्रा डालना। सर एक्स्ट्रा डलेगा तो हम 1/2 कप प्लस 1/10 कप डाल सकते हैं? बिल्कुल, तुम तो क्विक लर्नर हो। और हाँ, चाय बनाने के लिए वाटर तो लगेगा, सो हम क्या करेंगे 1/4 कप वाटर हर एक कप के हिसाब से पहले बॉईल करेंगे। सर फिर वाटर और मिल्क का टोटल वॉल्यूम क्या हुआ? नहीं ये तो सिंपल एडिशन है, 5 times 1/2 कप प्लस 1/10 कप ये हो गया मिल्क के लिए, और 5 times 1/4 कप फॉर वाटर। वाओ सर, आपकी वजह से मैथ्स और चाय दोनों इंटरेस्टिंग लग रही है। हाँ वो तो है, और दोनों में ही परफेक्ट ब्लेंड चाहिए होता है। हाँ अब ध्यान से 3 स्पून टी लीव्स डालो, परफेक्ट। अब मसाला, और अब डालो इलायची, वो भी क्रश करके। हाँ बट अगर मैंने चाय थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग बना दी तो? तो क्या, हम थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग मैथमेटिक्स कर लेंगे बैलेंस आउट करने के लिए। दिल से तेरे दिल का मेरे रिश्ता जुड़ गया, चाहतों से तन्हा सा धुआं धुंधला पड़ गया।
सर आप यहाँ रहते हैं? ओए तेरी प्रॉब्लम क्या है? एक घर में सब लोग नहीं रह सकते क्या, जो तू यहाँ पूछने चला आया? अरे मेरे घर पे जो कार खड़ी रहती है ना, उसको चमका कर साफ करता ही है राजू। बाहर सर की कार खड़ी देखी तो सोचा सर से लिफ्ट मांग लो, मैं सर के घर के बगल में ही रहता है ना। सर थोड़ा संभल के, हाँ किसी दिन ये आपसे आपको ओटीपी ले लेगा, फिर आपका बैंक अकाउंट जीरो, फिर आप इस राजू की कार में ना लिफ्ट ले रहे होंगे। बाय गर्ल्स, बाय बाय गुरुजी। राजू मैं यहाँ नहीं रहता हूँ, तुम्हें तो पता ही है, फिर भी अनवॉरंटेड सवाल क्यों? तुम्हारे लॉजिक ठीक काम नहीं कर रहे। आपकी गाड़ी खड़ी है, चलो बाय बेबी। मलिका इधर आ, मेरी बात सुन। हाँ मम्मी। तेरी मौसी की शादी के लिए लड़का फाइनल कर लिया है, वो लड़का NRI है, इसलिए जल्दी शादी की डेट फिक्स करनी है, क्योंकि उसको जॉब से छुट्टी मिलती नहीं है। वो सिर्फ शादी करने के लिए सिंगापुर से यहाँ आया है। उस लड़की की शक्ल मेरे को वैसे भी वो कोरियन वाले BTS के लड़कों जैसी लगती है, दिखाना उसकी शक्ल एक बार मेरे को। हाँ देख, ये देख। है? ये तो इंडियन ब्रीड है। तो सिंगापुर में बहुत इंडियंस रहते हैं। और तुझे भी तो सिंगापुरियन नूडल्स बहुत पसंद है ना? वो लड़के से बोलकर तेरे लिए भी सिंगापुरियन NRI सेट कर लेते हैं। हाँ। मम्मी आप सेट कर लो और जाओ सिंगापुर, मैं ना आपसे मिलने आ जाया करूंगी। हैं? तेरे पापा का क्या होगा? मैं कुछ भी बोलती हूँ। अच्छा ये बता, तू मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? वो मम्मी मेरा ना फोन अपने आप टूट गया। मोबाइल फोन अपने आप नहीं टूटता है, उसे तोड़ा जाता है। अच्छा ये बता, गुरुजी और तेरे बीच में क्या चक्कर चल रहा है? माना कि तेरी उम्र है, लेकिन इतना क्लोज आना ठीक नहीं है उस मैथ्स के टीचर से। तू तो शादी करके किसी और के साथ चली जाएगी, उसका मैथ्स भूगोल बन जाएगा। मम्मी हाँ, I really love him, बहुत प्यार करती हूँ मैं उनसे। मेरा मन करता है मैं पूरा दिन और रात उनके साथ स्पेंड करूँ और वो बस मेरे सामने रहे। और कभी तो ऐसा लगता है कि अगर वो मेरी लाइफ में नहीं होंगे तो मेरा क्या होगा, मैं शायद अपनी जान दे दूंगी।